हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में सोलापुर डिवीज़न में यानी कल के डेट में जो एग्ज़ाम लिया गया था 9 अक्टूबर का, उसका क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम जनरल लिफ्ट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टैंपिंग। ये देखिए, आइए, पिछले बार जो एग्ज़ाम लिया गया था सोलापुर में, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। यानी टैंपिंग के किसी भी बिंदु की जो न्यूनतम सामान्य लिफ्ट है कितना होता है, तो मिनिमम पूछा गया है। तो ट्रैक मशीन मैनुअल में आपको क्वेश्चन मिलेगा 20 mm जो है इसका मिनिमम जो है जनरल लिफ्ट हो सकता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और लिफ्टिंग की बात करें तो अधिकतम लिफ्टिंग होता है 50 mm जो है, अधिकतम लिफ्टिंग होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रन ऑफ रैंप जो कितना दिया जाता है, तो रन ऑफ रैंप जो है 1 in 1000 में दिया जाता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि एसएससी पीवे प्रभारी और अनुभागीय जेई एसएससी पीवे के द्वारा संपार का जो निरीक्षण है कितने दिनों में किया जाता है। तो देखिए, संपार का जो निरीक्षण किया जाता है महीने में एक बार रोटेशन बेसिस पर किया जाता है, तो महीने में एक बार भी दिया गया है और रोटेशन बेस पर भी ऑप्शन दिया गया है, तो बी नंबर रोटेशन वाले जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि कम समय लगे। ब्रॉड गेज में जो मानक गठन की चौड़ाई होती है यानी कि स्टैंडर्ड विथ जो है कटिंग में सिंगल लाइन में, देखिए कटिंग और इम्बैकमेंट में दोनों का सेम हो गया है साइड ड्रेन को छोड़ के, तो 7850 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 6850 देता था। पाँचवें नंबर है कि ब्रॉड गेज में तटबंध में मानक गठन की जो चौड़ाई है डबल लाइन में कितना होगा, इम्बैकमेंट में भी उतना ही होगा और कटिंग में भी उतना ही होता है, 13.16 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन है कि बाहरी तरफ कर्व ट्रैक के लिए अतिरिक्त शोल्डर जो है गिट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, अतिरिक्त जो है शोल्डर गिट्टी की चौड़ाई पूछी गई। देखिए दोस्तों, जब टर्न इन कर्व की बात रहेगा तो इनक्रीज में 150 mm हो जाता है, और इसे सिंपल LW की बात रहेगा LWR का, तो 500 mm हो जाता है राइट आंसर। सातवें नंबर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कटिंग में कितना होता है, तो कटिंग में भी उतना होता है और इम्बैकमेंट में भी उतना ही होता है, 13.16। आठवें नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉस स्लोप फॉर्मेशन कितना होता है, क्रॉस स्लोप फॉर्मेशन 1:30 होता है और पुराने में 1:40 दिया जाता था। ग्लूड जॉइंट्स प्रोवाइडेड ट्रैक को, तो देखिए आइसोलेशन ट्रैक के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य AT वेल्डिंग जो है न्यूनतम यातायात ब्लॉक कितना होता है सामान्य AT वेल्डिंग के लिए। देखिए 70 से 75 मिनट आप लोग जानते होंगे, तो 70 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 10 मिनट न्यूनतम जो है ब्लॉक चाहिए। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम कूलिंग अवधि यानी वेल्ड निष्पादन के बाद ट्रेन को पारित करने के लिए कितना। देखिए दोस्तों, कूलिंग पीरियड तो 20 मिनट का होता है, लेकिन ट्रेन पासिंग आ गया है तो 30 मिनट बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन पासिंग होने के बाद। 12वें नंबर क्वेश्चन है कि SWR ट्रैक में न्यूनतम रेल क्लोजर जो है कितना मीटर से कम नहीं होना चाहिए, SWR या LWR कोई भी हो 5.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। टेम्प्रोरी देखिए 4 मीटर का रहता है टेम्प्रोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR और CWR में स्थित संपार को नहीं जो है गिरना चाहिए, यानी कि ब्रेथिंग लेंथ जो है संपार में नहीं आना चाहिए, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR CWR क्षेत्र में नियमित ट्रैक अनुरक्षण जो है सीमा कितना होना चाहिए, तो TD+10 से TD-30°C के बीच होता है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर कि इफ रेल टेम्परेचर आफ्टर मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सिस TD+20°C डे ऑफ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन द SR ऑफ -km/h टू बी इम्पोज, यानी कि जब जो है TD+20°C तापमान हो जाता है तो जो कंसोलिडेशन होता है उसमें कितना गति प्रतिबंध लगाया जाता है, तो 50 km/h की स्पीड लगाया जाएगा, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि LWR और CWR ट्रैक में मैनुअल रखरखाव के दौरान स्लीपर जो खोलने की अनुमति मैनुअल में होता है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 30 स्लीपर से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि सुपरवाइजर मौजूद है तभी 100 स्लीपर खोला जा सकता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 क्लैंप के साथ जॉगिंग करके 10 mm अंतराल के साथ रेल बेल्ट विफलता के आपातकालीन मरम्मत के बाद। देखिए वैसे तो जब फ्रैक्चर होता है तो 10 km/h यानी कि स्टॉप डेड और 10 km/h के स्पीड से फ्रैक्चर की स्थिति में, लेकिन जब 2 क्लैंप के साथ जॉगिंग जब किया जाएगा तो 30 km/h का स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन है कि LWR और CWR में
ट्रैक ऑथराइज जो होता है लिफ्टिंग स्क्वेजिंग और मैकेनाइज टैंपिंग के काम के पर्यवेक्षण न्यूनतम स्तर कौन होगा, जो लोएस्ट अधिकारी होता है मशीन टैंपिंग में कौन हो सकता है, तो JEP में लोएस्ट अधिकारी होता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्रेकल जो वाशर होता है उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो स्प्रेकल वाशर देखिए लेफ्ट साइड ऑफ स्विच असेंबली में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि टर्नआउट निरीक्षण में लीड वर्सन रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कार्ड, तो जो कार्ड उपयोग किया जाता है 6 मीटर का किया जाता है चौड़ लेंथ, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ क्लीन ब्लास्ट कुशन फॉर मशीन टैंपिंग, तो मिनिमम देखिए 150 mm ब्लास्ट कुशन होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि JEE SSC के द्वारा जो है गर्डर ब्रिज और अप्रोच का परीक्षण जो है कितने समय में करना चाहिए, तो साल में एक बार इसे करना चाहिए, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज पर गिट्टी की अनुमानित मात्रा यदि 300 mm कुशन के साथ सिंगल लाइन जो है LWR में कितना होगा, 23 नंबर के देखिए राइट आंसर हो जाएगा 2.304, यानी सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों यदि कर्व रहता, यदि कर्व रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता 2.401 हो जाता। पहला नंबर ऑप्शन देखिए 2.585 है, यानी 350 जब कुशन रहता है तभी आंसर होता है, और कर्व में कर्व यदि रहता 350 कुशन दिया रहता तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाता, और ये जो आप दिख रहे हैं ये 250 कुशन होने पर जो है ये आंसर होता है 2.030। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये मैनुअल में चार स्टेप दिया गया है, पढ़ लो सकते हैं कि फोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक फॉर्मेशन विच फोर स्टेप एक्शन प्लान टू बी अडॉप्टेड, यानी कि चार चरणों की कार्य योजना कौन सी अपनाई जाती है कमजोर गठन के लिए, तो इसके लिए देखिए दोस्तों फॉर्मेशन प्रोफाइल सेलो डीप स्क्रीनिंग ZMF इंक्रीज ब्लास्ट और कुशन जो है 300-350 mm होना चाहिए, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन है कि ROV और FOV के नज़दीकी कॉलम 10 मीटर के भीतर ट्रैक पर गार्ड रेल उपलब्ध कराई जाएगी, तो 8 मीटर इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्ड कलर पेंटिंग सर्विस नन क्रोजन प्रोन एरिया में 4 साल पे किया जाता है, तो 4 साल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिनिशिंग टॉलरेंस प्लस बट वेल्डिंग फॉर न्यू रेल ऑन 1 मीटर स्ट्राइट इज वर्टिकल, तो वर्टिकल में देखिए -0.02 +0.3 mm हो जाएगा इसका फिनिशिंग, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2-3 जोन में जो है रिड्यूस कर्व कितना से कम नहीं होना चाहिए, 440 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि LWR और CWR में किसी भी मैनुअल प्रावधान के विचलन के लिए अनुमोदन जो है प्राप्त किया जाएगा, तो चीफ ट्रैक इंजीनियर से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मूला इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फार्मूला, तो देखिए C = GV² / 127R इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक पर ग्रेड मुआवजा जो होता है ग्रेड कंप्रेशन कर्वेचर, तो 0.04% हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि समूह बी मार्ग पर लंबवत वर्ग की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होती है, तो देखिए इसका बी का हो जाएगा 3000, ए का हो जाता है 4000, और C + D + E मार्क का हो जाएगा 2500। 33 नंबर है कि फॉर ई कंडीशन जो है क्रॉसिंग वेयर मेजरिंग एट डैश नंबर ऑफ लोकेशन, यानी कि मेजरिंग वेयर जो है कितना होता है, तो 10 mm जो है इसका मेजरिंग वेयर होता है। अगले प्रश्न है कि TRC जो द्वारा जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम की गई किसी भी रिकॉर्डिंग को गैर रिकॉर्डिंग के रूप में लिया जाता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से की गई को गैर रिकॉर्डिंग माना जाता है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि TRC कार्ड में लॉन्ग बेस अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देखिए जो TRC चार्ट का यूज होता है अलाइनमेंट में लॉन्ग बेस और शॉर्ट बेस पूछा गया है, तो अलाइनमेंट में लॉन्ग बेस 15 मीटर का होता है और शॉर्ट बेस 9 मीटर का होता है, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। NTL में गेज भिन्नता के लिए स्लीपर से स्लीपर तक का अनुवय कितना होता है, यानी स्लीपर से स्लीपर परमिशन जो वेरिएशन होता है कितना होता है, तो देखिए यहाँ 2 mm वेरिएशन हो जाएगा, +2 नहीं सिर्फ 2 mm इसका वेरिएशन होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PML ट्रैक के मामले में निम्नलिखित द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए,
जो पीएमएल ट्रैक अटेंशन होता है वो ट्रैक मशीन के द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि पीएमएल के मामले यदि पीएमएल ब्लॉक में टैंपिंग के माध्यम से यार्ड को योजना बनाई जानी चाहिए, जो यार्ड शुड बी प्लानेड थ्रू टैंपिंग इफ पीएमएल ब्लॉक्स। देखिए यार्ड यदि है तो इससे 50% से अधिक हो जाएगा। 38 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और यदि सीधे ब्लॉक सेक्शन रहता तो 40% से अधिक हो जाता है, क्योंकि बीसी। 39 नंबर क्वेश्चन की यूएसएफडी परीक्षण में एक बार में दोनों रेल का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप यूएसएफडी मैनुअल में इसे ढूंढ लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यूएसएफडी परीक्षण में पानी का जो उपयोग होता है किस रूप में किया जाता है। देखिए कपलेंट के रूप में किया जाता है, युग्मक के रूप में, तो सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है DFWR को 10 दिन के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। देखिए DFWR को 3 महीने के अंदर जो है हटा दिया जाना चाहिए, तो डबल डेड पेंट जो है DFWR में किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एनी यूएसएफडी फ्लॉ ऑन इम्पोर्टेंट मेजर ब्रिज एंड 100 मीटर अप्रोच टनल्स एंड इट्स 100 मीटर अप्रोच विल बी ट्रेटेड एज। देखिए दोस्तों इस कंडीशन में IMR जो है माना जाता है, तो IMR इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 42 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैम्फरिंग टूल में जो है डैश रेल हॉल की चैम्फरिंग के लिए टॉर्क रेंज में टॉर्क लगाया जाता है, तो 52 kg इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है रेल ड्रिल जो है ड्रिल्ड रेल हॉल के किनारे डैश को रोकने के लिए चैम्फरिंग किट का उपयोग किया जाता है, तो क्रैक के रोकने के लिए देखिए चैम्फरिंग किट का प्रयोग किया जाता है, तो क्रैक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक के अलग हिस्सों किसके द्वारा जो है टैंप किया जाता है, किसके द्वारा जो है टैंप किया जाता है, तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ड्यूमेटिक के द्वारा जो है किया जाता है अलग हिस्से में टाइप। 46 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम रेल डॉली के लिए कितने आदमी चाहिए, तो न्यूनतम रेल डॉली के लिए जो है 2 पुरुष कम से कम चाहिए, तो 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मौजूदा लाइनों के लिए यानी एग्जिस्टिंग लाइंस के लिए जो है मिनिमम ट्रैक सेंटर, एग्जिस्टिंग के लिए देखिए 42 जो है 65 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है मिनिमम हाइट अबव रेल लेवल फॉर द हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम जो है 760 mm हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है नए कार्य के लिए निकटतम ट्रैक सेंटर से सेंटर किसी भी पोस्ट की न्यूनतम क्षैतिज दूरी, न्यूनतम क्षैतिज दूरी देखिए दोस्तों मैं कन्फर्म नहीं हूँ, शायद 2360 होगा, इसे आप लोग जो है कन्फर्म कर लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि FOB रेल स्तर के नीचे तक की 25 kV अंश के मामले में न्यूनतम ऊर्जा दर निकासी कितना होता है, जो फ्रैक्शन दिया जाता है, तो देखिए 6250 mm होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे वीडियो में दोस्तों मैं 60 क्वेश्चन जो है करवा दूंगा, तो आप लोग जो है लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।